लाभ स्थान का महत्व। देखिए लाभ स्थान का महत्व, लाभेश का महत्व ज्योतिष शास्त्र के अंदर क्या है? देखिए लाभ शब्द का अगर हम डेफिनेशन करें तो ये शब्द सुनने में सबको अच्छा लगता है। लाभ यानी धन लाभ, आर्थिक लाभ, अनेका प्रकार के अनेक लाभ। कौन ऐसा व्यक्ति होगा कि जिसको लाभ नहीं चाहिएगा? हर व्यक्ति को, हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को ये आशा, अपेक्षा और आकांक्षा होती है। तो ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है कि जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि आपको किस प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे जीवन में, आप आर्थिक रूप से कितने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल रहेंगे, आपकी कुंडली का लाभ स्थान जितना पावरफुल होगा उतनी ज्यादा आपको लाइफ में आपकी डिजायर, आपकी विश फुलफिलिंग होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो उज्ज्वल खेतेश्वर रुद्राक्ष और एस्ट्रोलॉजी के इस ज्योतिष एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज मैं एक बहुत ही एस्ट्रोलॉजी के एक नए और सबका मनपसंद फेवरेट ऐसा एक बढ़िया टॉपिक लेके आया हूँ, विशेष जानकारी लेके, कि ज्योतिष शास्त्र के द्वारा जानिए लाभ स्थान का महत्व। देखिए लाभ स्थान का महत्व, लाभेश का महत्व ज्योतिष शास्त्र के अंदर क्या है? देखिए लाभ शब्द का अगर हम डेफिनेशन करें तो ये शब्द सुनने में सबको अच्छा लगता है। लाभ यानी धन लाभ, आर्थिक लाभ, अनेका प्रकार के अनेक लाभ। देखिए आज के वक्त में कोई भी मनुष्य को, कौन ऐसा व्यक्ति होगा कि जिसको लाभ नहीं चाहिएगा? हर व्यक्ति को, हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को ये आशा, अपेक्षा और आकांक्षा होती है कि मुझे आर्थिक लाभ, धन लाभ या किसी भी प्रकार के लाभ कब प्राप्त होंगे। तो ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है कि जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि आपको किस प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे जीवन में, आप आर्थिक रूप से कितने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल रहेंगे, आपकी कुंडली का लाभ स्थान जितना पावरफुल होगा उतनी ज्यादा आपको लाइफ में आपकी डिजायर, आपकी विश फुलफिलिंग होगी। मैं ऐसा मानता हूं कि कुंडली के अंदर जितना बलवान लाभ स्थान उतने व्यक्ति को लाइफ में जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज उसको प्राप्त होगी। और कौन से समय में व्यक्ति को कौन सा गेन होगा, फिर चाहे वो किसी के व्यक्ति का हो, जैसे कि लाभ की डेफिनेशन क्या है, ऐसा नहीं है कि अकेला आर्थिक या धन लाभ प्राप्त करना वही लाभ है, कई प्रकार के दूसरे भी लाभ है, जैसे कि कोई पॉलिटिशियन का आपके साथ का रिलेशन, या कोई बड़े ऊपरी अधिकारी के साथ आपका उठना बैठना, नेता अभिनेता राजनेता या किसी मित्र द्वारा लाभ, आपको किससे कब और कौन सा और कैसा लाभ प्राप्त होगा वो ज्योतिष शास्त्र के अंदर लाभ स्थान से पता चलता है। कुंडली का जो एकादश भाव है वो ये दर्शाता है कि आपकी इच्छा पूर्ति और लाभ आपको किससे प्राप्त होगा। अब यहाँ पे ये है कि आपकी कुंडली का 11th हाउस इच्छा पूर्ति, डिजायर्स का फुलफिलिंग का हाउस माना गया है। तो कौन आपकी इच्छा पूरी करेगा, कैसे करेगा, कब वो आपका समय आएगा, इसके बारे में आपको मैं एक बेसिक जानकारियां दे देता हूँ। सबसे पहले कि कुंडली में आपका लग्न कौन सा है और आपकी कुंडली का लाभेश किस स्थान में बैठा है, ये कुछ बेसिक जनरल प्रिडिक्शंस मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ की पॉइंट्स दे रहा हूँ जिससे ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आपको आपके जीवन में किस लेवल तक, एक्सट्रीम लेवल तक या एवरेज तक या बिल्कुल भी नहीं लाभ प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, ये आइडिया आपको मिल सकता है। जैसे कि किसी की कुंडली में अगर लाभेश धन भाव में बैठा है तो वो व्यक्ति को अपने मित्र से, अपने बड़े भाई बहन से हमेशा कोई ना कोई लाभ प्राप्त होता रहेगा। लाभेश का धन भाव में जाना ये आर्थिक और धन लाभ के लिए उत्तम सिचुएशन और पोजीशन मानी गई है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। ऐसा कहा जाता है कि जिसकी कुंडली में लाभेश उच्च का हो
या मित्र राशि में बैठा हो, मित्र क्षेत्री हो, या लाभे से अगर धन भाव में जाता हो, तो वो व्यक्ति को हमेशा कहीं ना कहीं से आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे, और सबसे ज्यादा उसको अपने फ्रेंड सर्कल और अपने मित्र वर्ग से लाभ होंगे, बड़े बुजुर्गों से उसको लाभ मिलेंगे। मतलब यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये भी है कि आपकी कुंडली का लाभेश किस स्थान में बैठा है, कहाँ जाके बैठा है, वहां से आपको एक्चुअली लाभ प्राप्त होगा। जैसे कि अगर लग्नेश लाभ स्थान में है या लाभेश लग्न भाव में है, तो व्यक्ति भाग्यशाली माना जाएगा, उसको हमेशा लाइफ में बेस्ट टू बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसको हमेशा विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट एनी स्ट्रगल बहुत जल्दी उसको लाभ मिलेंगे। फिर चाहे वो लाभ किसी भी तरह के हो, या तो कहते हैं ना कि कोई अच्छी जॉब प्राप्त करने के हो, या लॉटरी लगने के हो, या शेयर बाजार कमाने के हो, या कोई भी हो, उसको गेन हमेशा मिलेंगे। लाभेश धन भाव में जाता है तो आर्थिक रूप से वो व्यक्ति बहुत धनी होता है। लाभेश अगर चतुर्थ स्थान में बैठा है या चौथे भाव का मालिक लाभ स्थान में बैठा है, तो उस व्यक्ति को हमेशा प्रॉपर्टी से लाभ होगा, जमीन मकान से लाभ होगा, अपनी मातृभूमि से लाभ होगा। अगर किसी का पंचम भाव का मालिक लाभ स्थान में बैठा है, तो उसको अपनी विद्या से, अपनी शिक्षा से, अपने एजुकेशन, अपनी टैलेंट से, अपनी स्किल से और अपने संतानों से वो लाभान्वित होगा। अगर किसी की कुंडली में छठे भाव का स्वामी लाभ स्थान में है, तो वो व्यक्ति को हमेशा नौकरी से लाभ प्राप्त होगा। सप्तम भाव का स्वामी अगर लाभ में है, तो पत्नी और भागीदारी से, यानी कि पार्टनरशिप से लाभ प्राप्त होगा। अष्टमेश लाभ भुवन में है, तो व्यक्ति को हमेशा गुण विद्या से लाभ होगा। गुण धन यानी जमीन से या जमीन के अंदर से या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से उसको लाभ मिलता है। उसको कोई बड़ी छुपी हुई प्रॉपर्टी मिलती है या कोई अननोन व्यक्ति की तरफ से उसको कोई प्रॉपर्टी का लाभ होता है, गुण विद्याओं से लाभ होता है, सुपर नेचुरल पावर से उस व्यक्ति को लाभ होता है। अगर भाग्य भुवन का स्वामी लाभ स्थान में है, तो वो व्यक्ति महाभाग्यशाली बनता है, मतलब उसको महाभाग्यशाली योग कहा जाता है। भाग्येश का लाभ स्थान में बैठना महाभाग्यशाली योग, वो व्यक्ति चक्रवर्ती बनता है। दूसरी बात, दशम भाव का यानी करियर कार्य क्षेत्र का स्वामी लाभ में है, तो व्यक्ति को व्यापार से, अपने बिजनेस से, अपने प्रोफेशन से लाभ होता है। और अगर लाभेश खुद अपने ही घर में बैठा हो, अपने ही स्थान में स्वगुरु के बैठा हो, तो व्यक्ति जो इच्छा रखता है मन में, वो उसकी पूर्णतः प्राप्ति करता है। यानी कि लाभेश अगर किसी का स्वगुरु है या पाप ग्रह की दृष्टि में नहीं है, तो उसको पूर्ण लाभ प्राप्त होंगे। यानी वो जो भी इच्छा मन में रखेगा और वो वस्तु उसके सामने हाजिर होगी। मतलब वो जो कहते हैं ना कि कल्प वृक्ष, यानी कल्प वृक्ष के नीचे अगर आप बैठे हो और अगर आप कुछ सोचते हो कि मेरा एक बहुत ही बड़ा आलिशान बंगलो हो या महल हो या ये हो या वो, तो उसको इंस्टेंटली वो मिलता है। और अगर लाभेश व्यय स्थान में होता है, तो उसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति को विदेश यात्रा से या विदेश से लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बेसिक जानकारी दी कि कौन से स्थान का मालिक कहाँ पे हो, तो उस व्यक्ति को उससे लाभ होता है। और लाभेश आपकी कुंडली में कितना बलवान है, उच्च राशि में है, गुरु और शुक्र जैसे या चंद्र जैसे शुभ ग्रहों से युक्त है, आपके लाभ स्थान में जितने ज्यादा ग्रह होंगे, उतने ज्यादा आप फिनेंशियली, फिजिकली, सोशियली, हर तरह से आप लाभ में रहोगे। यानी वो कहावत है ना कि इसकी तो पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है, तो ऐसा हम कहावत जिस व्यक्ति के लिए यूज करते हैं ना, तो वो उस व्यक्ति के लिए कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकली जिस व्यक्ति की कुंडली में लाभ स्थान बलवान हो। ये कहावत उसके ऊपर परफेक्टली सूट करती है। दूसरी बात, अगर आपकी लाभेश की दशा चल रही है महादशा
या अंतरदशा या लाभ स्थान से गुरु शुक्र चंद्र जैसे ग्रह पास हो रहे हैं, तो उस टाइम के अंदर भी आपको शॉर्ट टाइम कोई बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। फिर चाहे वो मैरिज का योग हो या संतान प्राप्ति का योग या नौकरी का योग हो, जब भी शुभ ग्रह लाभ स्थान से पास होता है तो आपकी उस समय में कोई ना कोई अंदरूनी आपकी जो डिजायर है, विश है, वो फुलफिल होती है। तो लाभेश की दशा, लाभेश का गोचर में पॉजिटिव पावरफुल होना और लाभ स्थान से शुभ ग्रहों का पास होना, उस समय में आपको हर तरफ से लाभ ही लाभ प्राप्त होंगे और वो टाइम आपके जीवन का फेवरेबल और श्रेष्ठ समय माना जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको ये लाभ स्थान की जो मैंने बात की या लाभेश ग्रह की जो मैंने आपको एक जानकारी दी, जनरल ओवरव्यू, आपको बहुत पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी कुछ नई नई चीज़ें लेके हम आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। तब तक के लिए सबको ओम नमः शिवाय।